पेड़ एक्टिविस्ट आए पेड़ बचाने। काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय। दोस्तों मेरा आज का विषय है और गौर से सुनिएगा, पेड़ एक्टिविस्ट आए पेड़ बचाने। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है और ये आज जो पेड़ एक्टिविस्ट लोग हैं सडनली अपना पर्यावरण प्रेम दिखाकर आ रहे हैं, तो इनकी हिपोक्रेसी मैं एक्सपोज करूंगी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इनको काउंटर रिप्लाई करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये जो चांडाल चौगड़ी है जिसको मैं कहती हूँ, जैसे कम्युनिस्ट है, बॉलीवुड है, मीडिया है और ये पॉलिटिशियंस, ये जो है हर एक प्रोपोगेंडा, खास करके जब भाजपा राज्य होता है और चुनाव सिर पर होता है, तो ये कैसे सडनली एक टॉपिक उठाते हैं और उसको बॉलीवुड के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनल, हम सब जानते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग है, तो बॉलीवुड वाले एक्टर्स को लेकर कुछ पैसे वैसे उनके मुंह पर मार कर, क्योंकि बॉलीवुड वाले तो है ही बिकाऊ, इनसे ये जब देश के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते, तो ये बॉलीवुड वाले इनके प्रोपोगेंडा में आते हैं और मीडिया इसको स्प्रेड और करती है, बॉलीवुड वाले इसको स्प्रेड करते ताकि हमारा देश जो है नेशनली और इंटरनेशनली डिफेम हो। ये जो लोग हैं ये अभी हाईकोर्ट के डिसीजन की धज्जियां उड़ाते हुए, इमोशनल कार्ड खेलते हुए, बच्चों को हथियार बनाते हुए प्ले कार्ड लेकर जो सड़कों पर उतर पड़े हैं और सडनली 2700 पेड़ के लिए इनका प्यार इतना जाग उठा है, तो मैं इनको इसी एलीट पब्लिक को, सुपर लग्जरियस लाइफ जीने वाले, 2-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ कि पवई सेज, रॉयल पाम, आप लोगों की फिल्म सिटी, हीरा नंदानी, ये सब क्या आसमान से आ गए क्या? आरे लैंड में इन सब चीज़ों को बसाने के लिए और अपनी एलिट जिंदगी जीने के लिए, इतने बड़े बड़े घर और यू नो फ्लैट्स बनाने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए क्या इन्होंने पेड़ नहीं काटे थे? तब क्यों इनका प्रोपोगेंडा शायद सूट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इनकी लाइफ इनको जीनी है तो उसके लिए पेड़ कितने भी कटे वो ओके है, लेकिन एक आम पब्लिक के लिए अगर 2700 पेड़ कट रहे हैं, मेट्रो से उनको फ़ायदा हो रहा है, तो उसे सेल्फिश कहा जाएगा, उसे एकदम से एंटी एनवायरमेंट कह दिया जाएगा, करेक्ट? इन बिकाऊ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और बॉलीवुड वालों के जवाब में, इनके जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए उसके अब मैं साइंटिफिक तरीके से और पर्यावरण की दृष्टि से जवाब देना पसंद करूंगी। वैसे तो हमें पता है कि इन बॉलीवुड वालों में दिमाग तो बिल्कुल है नहीं, इन्हें तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का फर्क नहीं पता, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि संजीवनी बूटी हनुमान जी किसके लिए लाए थे, जीके इनका जीरो, IQ इनका जीरो, कॉमन सेंस इनका जीरो, यू नो, तो ये तो खैर समझेंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी इनकी थोड़ा इनको मैथ समझाना ज़रूरी समझूंगी, थोड़ा सा इनका नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करूंगी कि 25 एकड़ में मेट्रो प्रोजेक्ट जो आया है RLN में, उससे 2700 ट्रीज कट रहे, राइट? और इन 2700 ट्रीज की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर 80 to 90 टन पर ईयर रिड्यूस होगा। सो इसके सामने मेट्रो आ जाने से साल का 2.25 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड, अदर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस होगी। तो अब आप अनुमान लगा दो कि बेहतर क्या है। दूसरी बात, पर्यावरण पर छाती कूट कर रोने वाले ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट तब कहाँ मर जाते हैं जब फिल्म सिटी RLN के बीचों बीच 520 एकड़ में आई है। 25 एकड़ में 2700 ट्री कटे, तो आप हिसाब लगाओ कि 520 एकड़ में इन फिल्म सिटी वालों ने कितने पेड़ काटे होंगे। और अभी ये फिल्म सिटी वाले जो 2600 करोड़ का मेकओवर कर रहे हैं फिल्म सिटी का, जिसमें इंडोर आउटडोर कुछ 40-50 इनके स्टूडियो, जिसमें ये म्यूजियम, थीम पार्क ये सब बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं और ये सारी कोशिशें अपने फिल्म शूटिंग के लिए कर रहे हैं, तब सब ओके, क्योंकि तब पेड़ नहीं कटेंगे, तब शायद सब कुछ ऊपर से आ जाएगा। हीरा नंदानी 240 एकड़ में आया हुआ, कितने पेड़ कटे होंगे तब हीरा नंदानी बना होगा। रॉयल पाम जो कि बीचों बीच है RLN के, जिसने जो रॉयल पाम 240 एकड़ में कितने पेड़ कट कर ये बना होगा, लेकिन क्योंकि ये पैसे वालों की सहूलत के लिए तो चलता है। इसी रॉयल पाम के 3 और होटल्स अंदर RLN में ही हैं, मगर ये भी फिर भी चलेगा क्योंकि ये अमीरों की सहूलियत के लिए। और ये फिल्म सिटी वाले हिपोक्रेट संजय गांधी नेशनल पार्क की 51 एकड़ जमीन दबा के बैठे हुए हैं, उसको वापस दे भी नहीं रहे, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं पर्यावरण पर और यू नो देश के भविष्य पर, और इनको सडनली पेड़ों की चिंता होने लग गई है हिपोक्रेट्स को। ये जो बॉलीवुड वाले अभी प्ले कार्ड लेकर और सोशल मीडिया पर इतना शोशा कर रहे हैं, इन्होंने लाइफ में एक पेड़ नहीं उगाया होगा। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 55 करोड़ ट्रीज प्लांट किए हैं, मगर ये मीडिया भी नहीं बताएगी, अच्छे काम मीडिया थोड़ी ना दिखाएगी, उनको तो बस प्रोपोगेंडा रचने हैं। और ये बॉलीवुड वालों ने कितनों ने महाराष्ट्र सरकार की जो हरित ग्रीन महाराष्ट्र योजना है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, उसमें हेल्प कर लिया, इसका प्रचार प्रसार किया, नहीं किया है। ये जो कावेरी कॉलिंग अभी सद्गुरु का जो लिया हुआ है हाथ में प्रोजेक्ट,
शेट्टी ये कावेरी कॉलिंग के अंतर्गत लगभग 242 करोड़ ट्रीज प्लांट किए जा रहे हैं, उसमें किसी ने इनका प्रचार प्रसार किया कावेरी कॉलिंग का? नहीं किया। ये हिपोक्रेट चाहे तो ऐसी मदद कर सकते हैं, बिहार फ्लड पर ये हिपोक्रेट्स कुछ बोले नहीं बोले, तो इनको अच्छी चीज़ें दिखती नहीं, इनको बस प्रोपोगेंडा रचने आते हैं। और वैसे भी 2-3 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाले ये अमीर लोगों को क्या पता कि एक आम इंसान हर रोज़ कितनी जद्दोजहद करता है। विरार से चर्च गेट जाने वाला वो इंसान, अंधेरी स्टेशन से चढ़ने वाला वो इंसान, उसको जाके पूछो कि वो कितनी जद्दोजहद करता है। ओवर क्राउडिंग की वजह से हर रोज आंकड़े बताते हैं कि हर रोज ओवर क्राउडिंग की वजह से 10 लोगों की मौत होती है। 2018 का डेटा है कि टोटल 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई ओवर क्राउडिंग की वजह से हर रोज। मुंबई में, महाराष्ट्र में 75 लाख लोग जो है वो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। मेट्रो आने से 16 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा, लेकिन ये फायदा इनको दिखाई नहीं देता है। जानते हैं क्यों? ये फायदा इनको इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि ये एलिट और हाई क्लास लाइफ जीने वाले, लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोगों का मेट्रो आने से व्यू खराब हो जाएगा, इसलिए इनको दिक्कत है। ये चाहते नहीं है कि एक आम इंसान उस एरिया से गुजरे जिस एरिया में ये एलीट लोग रहते हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। और इन सब के बीच में अचानक से ये एनजीओज वाले और ना ईसाई मिशनरी वाले कैसे आ गए? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्षों पहले सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को ईसाई कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट करी थी यही आरएलएंड में, और ये वही जगह है जिसमें इन्होंने इतने सालों तक उसका उपयोग नहीं किया जिस चीज़ के लिए इन्होंने सरकार से मांगी थी, तो सरकार ने वो लैंड वापस लेके मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दे दी। इसलिए इन लोगों का इतना पेट में दर्द हो रहा है, और ये लोग सडनली ईसाई मिशनरी वाले ये लोग सडनली पर्यावरण प्रेमी बन गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो एनजीओज है ना, ये एनजीओज इन लोगों को अभी फंड दे रही है जो कि ऐसे सारे प्रोपोगेंडा के लिए आते हैं, क्योंकि आप और मेरे जैसे आम इंसान के पास में तो इतना पैसा है ही नहीं कि हम इतने बड़े बड़े प्रोपोगेंडा रचे और ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हायर कर सके अपनी बात कहलवाने के लिए। तो ये सब ये लोग करते हैं, ये एनजीओज के पास में फॉरेन फंडिंग पैसा आता है और ये उसी तरह का उपयोग भारत को तोड़ने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भारत की आम जनता को गुमराह करने के लिए, जातिवाद और धर्मवाद फैलाने के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, वो सोच समझ के फैसला लेगी और वो उसी को वोट देगी जो उसके काबिल है, ना कि ऐसे फेक प्रोपोगेंडा में आएगी और वो देखेगी कि सच में विकास और डेवलपमेंट कौन सी सरकार कर रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।